देखिए, यहाँ पर टॉपिक है आज का, सेंटेंस है ना। टॉपिक क्या है? सेंटेंस है, और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। एक चीज़ और है, ध्यान से समझना, आज की केवल समझने वाली क्लास है। इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हो आप, मतलब चाहे आप सेंटेंस, देखो नॉर्मली तो सेंटेंस ही बोला जाता है, लेकिन इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। स्टेटमेंट मीन्स होता है कोई ऐसे बात, है ना, कोई कथन होता है। तो अभी देखिए, यहाँ पहले प्रश्न आता है सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस जो होता है, ये होता है, अगर सिंपली लैंग्वेज में कहें तो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है डेट मेक्स अस कंप्लीट सेंस। डेट मेक्स अस कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है उसे कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? ओ सॉरी सॉरी, कंप्लीट सेंस रहेगा यहां पर। क्लियर है? तो आगे आप कह सकते हैं कि इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर है? सेंटेंस जिसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, और जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड्स का ग्रुप होता है, और वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करता है? मेक्स अस, जो हमें देता है कंप्लीट सेंस, मतलब जो सेंसिबल हो, मीनिंगफुल हो, है ना। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिखूं ऐसे, रमेश इज गोइंग टू स्कूल, है ना। रमेश, अभी देखिए, रमेश इज गोइंग टू स्कूल, यहां पर क्या है? रमेश एक शब्द है, इज भी है, गोइंग भी है, टू भी है, स्कूल भी है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे, और इसका सेंस भी निकल रहा है। देखो, एक सिस्टमेटिक सेंस निकल रहा है कि रमेश स्कूल जा रहा है, रमेश स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि स्कूल स्कूल इज रमेश, है ना, टू गोइंग, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ऐसा। जब बट मैं जब ऐसा लिखूंगा, इसका सेंस क्या निकलेगा? स्कूल है रमेश को जा रहा, स्कूल है रमेश को जा रहा है, इसका सेंस ऐसे तो निकल रहा है, स्कूल है रमेश को जा रहा, है ना। तो अभी यहां भी तो 5 शब्दों का समूह है, ग्रुप है, लेकिन अब बताओ किसमें सेंस निकल रहा है? रमेश स्कूल जा रहा है, या रमेश स्कूल है रमेश को जा रहा, है ना। इससे तो सेंस नहीं निकल रहा है ना। आप करो, नहीं, सेंस तो निकल सकता है, रमेश है स्कूल को जा रहा है, रमेश स्कूल को जा रहा है, ठीक है, ऐसे घूम फिरा कर। लेकिन ध्यान देना, यहां पर यही तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, बिल्कुल। यहां भी 5 शब्दों का ग्रुप है, यहां भी 5 वर्ड्स का ग्रुप है, बिल्कुल सही है। पहली कंडीशन फॉलो है, क्लियर है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? डेट मेक्स अस कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन इसके साथ में कंप्लीट सेंस एक सिस्टमैटिक रूप से होना चाहिए। कंप्लीट सेंस देना तो चाहिए, लेकिन ऐसे घूम फिरा कर नहीं, एक सिस्टमैटिक रूप से। अब सिस्टमैटिक रूप का मतलब क्या है? जैसे देखो, सिस्टमैटिक रूप के लिए ही ग्रामर बना है। जैसे वो ग्रामर क्या कहता है? बच्चा पहले सब्जेक्ट लिखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब लिखिए। अब ये क्या है? घूम फिरा कर, मतलब जो चाहोगे अपने मन का, नहीं, अपने मन का नहीं करना है यहां पर। क्लियर है? तो यहां पर सेंस तो आना चाहिए, इससे कंप्लीट सेंस आ रहा है, लेकिन वो जो सेंस आना चाहिए ना, वो सिस्टमैटिक आना चाहिए। सेंस सेंस कैसा आना चाहिए? सिस्टमैटिक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। और ये पहला वाला जो सेंटेंस है, ये सिस्टमैटिक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या है? सेंटेंस है। क्लियर? बट दिस सेंटेंस इज नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेंटेंस। क्लियर है? तो यहां पर रीजन है कि सेंस तो यहां भी आ सकता है। हाँ, स्कूल है रमेश को जा रहा है, ठीक है, स्कूल रमेश को जा रहा है, मतलब स्कूल रमेश को नहीं निकल रहा है।
अब निकाल भी लिए जबरदस्ती रमेश को, स्कूल जा रहा नहीं, रमेश स्कूल को जा रहा है। देखो जब आप सही सिस्टमेटिक करोगे तभी अर्थ निकलेगा। देखो है ना, अगर आप स्कूल है रमेश को जा रहा है, स्कूल को है रमेश जा रहा है, स्कूल जा, स्कूल रहा जा रमेश को है, ये क्या आप करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, स्कूल स्कूल गलत है भाई, रमेश स्कूल को जा रहा है। जब आपने इसको सिस्टमेटिक रूप से रखा तभी कंप्लीट सेंस निकला ना। अभी देखो कई में घुमाया गया इसको, लेकिन कितना भी घुमाया गया सेंस नहीं आया, लेकिन जब ये सही सिस्टमेटिक रूप से घुमा तब सेंस आया है ना, तभी सेंस आया। इसलिए यहां पर एक कंडीशन याद रखना, सिस्टमेटिक कंप्लीट सेंस देना चाहिए तभी वो सेंटेंस है। समझ में आया, बढ़िया क्लियर है ना सेंटेंस क्या होता है। तो मेन डिफिनेशन तो यही है, लेकिन इसका लॉजिक समझो एक्चुअली ये आया कहां से। तो यहां दो कंडीशन, एक तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, और दूसरा क्या मेक्स अस कंप्लीट सेंस। लेकिन अब हम आपसे पूछ लें कंप्लीट सेंस क्या, वो कंप्लीट सेंस सिस्टमैटिक होना चाहिए या नॉन सिस्टमैटिक होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो एक चीज ये याद रखना, कंप्लीट सेंस तो होना चाहिए बट वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, तो वो होता है सेंटेंस होता है। अब यहां पर प्रश्न है वर्ड्स कैसे जानेंगे कि ये वर्ड्स है ना। तो यहां देखिए अगर वर्ड्स की बात करें, वर्ड तो वर्ड मीन्स होता है शब्द होता है, वर्ड मीन्स क्या होता है शब्द होता है, क्लियर है। अब ये समझना ये चीज क्या होता है ना। तो देखो शब्द जो होता है ना, आप करो देखो एस सी एच डबल ओ एल दिस इज अ वर्ड, ये एक शब्द है, आप करो ना ये एक शब्द है। तो देखो एक दो तीन चार पांच छह, सिक्स लेटर का ग्रुप है, छह अक्षर का समूह है। स्कूल कितने अक्षर से बना है, छह। तो यानी कि वर्ड्स जो होता है आ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स किसका ग्रुप होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है। बट यहां भी एक कंडीशन है, डेट मेक्स अस कंप्लीट सेंस, जो हमको कैसा सेंस देता है, कंप्लीटली सेंस देता है, वही है आपका वर्ड्स। आगे कह दीजिए इज कॉल्ड वर्ड्स, उसे क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं या वर्ड्स कहा जाता है उसको, समझ पाए। अब इसमें होता क्या है, देखो जैसे मैं ऐसे लिख दूं एम ओ एन के ई वाई, तो एम एक लेटर है, ओ एक लेटर है, एन एक लेटर है, के है एक है और ई एक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऑन हेयर मंकी इज द ग्रुप ऑफ सिक्स लेटर। बट इसी को मैं ऐसे लिख दूं ई वाई के ओ एन एम, कुछ भी ऐसे, तो क्या पढ़ोगे, यूकोनम है ना, या आप कह रहे हो आईकोन आईकोनम आईकोन आईकोम, क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है, कोई सेंस निकल रहा है, जबकि ये भी तो सिक्स लेटर का ग्रुप है, लेकिन इसका सेंस नहीं निकल रहा है, ये नॉन सेंस है, कमी ना है, नॉनसेंस है ना, बट ये सेंस है, आदमी कहता है ना यू आर नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब कोई सेंस नहीं है, तो इसके पास कोई सेंस नहीं है, तो मतलब क्या इसको वर्ड्स बोलेंगे, ऐसा इंसान जिसके पास कोई सेंस नहीं, क्या आप एक्चुअल में उसको इंसान बोलोगे, आप कहोगे अभी तू पागल है हमारे पास सेंस ही नहीं है, और जिसके पास सेंस रहेगा आपको आए यू आर है ना ऑसम, आप उसकी प्रशंसा करोगे अभी तुम बहुत अच्छा इंसान है, मतलब इस तरह से करोगे कि नहीं कहोगे आप। तो यहां पर देखो ये मंकी यहां पर वर्ड्स है, लेकिन ये जो यूकोनम है ये वर्ड्स नहीं है, जबकि दोनों क्या है लेटर्स का ग्रुप है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मीनिंगफुल है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो जो कंप्लीट सेंस दे वही होता है वर्ड्स, और जो ना दे भले वो ग्रुप आप हो लेटर्स हो वो वर्ड्स नहीं होता है। समझ में आया, यहां पर दो मैंने बताया, एक वर्ड और दूसरा अनवर्ड का सेंटेंस, क्लियर है। तो वर्ड क्या होता है बताइए, आ ग्रुप ऑफ लेटर्स डेट मेक्स अस कंप्लीट सेंस, क्या होता है आ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स में लेटर्स याद रखना, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स डेट मेक्स अस कंप्लीट सेंस,
इज कॉल्ड वर्ड. क्लियर है? सेंटेंस में क्या बोलोगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस में वर्ड्स का ग्रुप कर दो. क्लियर है? सेंटेंस में क्या कर दो? वर्ड्स का ग्रुप कर दो. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. दोनों की डिफिनेशन याद हो जाएगी. आई होप 50-70% तो यही याद होगा. क्लियर है? मैं सुनूंगा अभी, इसको ध्यान देना. चलिए अब यहां पर आता है टाइप्स की. तो वर्ड्स के टाइप की बात करें तो वर्ड वैसे कुछ खास यहां से नहीं कोई क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आप ऐसे समझो तो दो तरह का होगा. एक तो मीनिंगफुल और एक जो है मीनिंगलेस. जैसे आदमी हिंदी से इसको समझो, बढ़िया समझो, अभी समझ में आ जाएगा. मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस. जैसे आदमी कहता है ना पानी वानी ले आओ, अपने आ जाओ अपनी लैंग्वेज में, पानी वानी ले आओ. ठीक है भाई, पानी तो सही है, समझ में आता है, वानी क्या है? आदमी कहता है ना इंग्लिश, इंग्लिश हमें नहीं आती. इंग्लिश तो सही है, वो इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश आपका मीनिंगफुल वर्ड है, मतलब इसको हिंदी में बोलें तो सार्थक शब्द है. ऐसा शब्द है जिसका सेंस आ रहा है, लेकिन वानी वो इंग्लिश, इंग्लिश वो इंग्लिश, वो इंग्लिश क्या है? मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है. तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है. आप हिंदी में इसको बढ़िया अच्छे समझाया जाता है. लेस मींस तो वो भी होता है. हाँ, लेस मतलब कम है ना. लेस मतलब क्या होता है? कम होता है. नहीं वो अलग है, वहां लेस होता है इस तरह से. यहाँ लेस मतलब क्या होता है? कम. यहाँ एल ई डबल एस है. अभी समझ में आया? तो चलो यहाँ तो कुछ खास नहीं, ये सबको आता है. अब बात करें सेंटेंस कितने टाइप का होता है ना. सेंटेंस कितने टाइप का होता है तो अभी सेंटेंस के टाइप्स की बात करें तो देखो सेंटेंस का जो टाइप का बेसिस होता है ना दो होता है. एक तो अगर सेंस के आधार पर बात करें, यानी कि इसको क्या बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंस के बेस पर. और एक जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, स्ट्रक्चर मतलब संरचना बना कैसे. सेंस के बेस पर सेंटेंस होता है पांच प्रकार का. यही पांच पढ़ते पढ़ते इंटर निकल जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पता ही नहीं रहता सेंटेंस किस कितने टाइप का होता है. जनरली ऐसा होता है, खासकर इंग्लिश हिंदी बोर्ड वाले बच्चों के साथ है ना. तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंस के बेस पर सेंटेंस पांच है ना. अगर वो सेंटेंस ऐसे सीधा साधा हाँ या नहीं में सेंस दे रहा है तो उसको बोल देंगे असर्टिव सेंटेंस. तो पहला टाइप क्या है? असर्टिव सेंटेंस. स्पेलिंग ध्यान देना, क्या है स्पेलिंग? ए ए ए डबल एस ई आर और फिर टिव. असर्टिव, यहां असर याद कर लो, असर्ट से बना है. तो असर्टिव सेंटेंस. और असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को देता है या तो नेगेटिव, मतलब ये दो टाइप का होता है. एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस. अब ये आप सुने होंगे ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस. सॉरी यार फट गए. अफर्मेटिव सेंटेंस. और दूसरा होता है आपका क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है. वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? जो ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करे. क्लियर है? और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? जो नेगेटिव स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करे, नो नेट नो नॉट नेवर लगा हो, नहीं वाले सेंस को बताए, है ना. समझ में आया? तो पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस. पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस. स्पेलिंग क्या होगी? ए डबल एस ई आर टी आई वी. असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप का? दो टाइप का. एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस. अब दूसरा सेंटेंस क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. अभी कल मैंने बताया था इसके पहले आई एन टी ई आर आर ओ जी ए टी आई वी ई एस ई एन टी ई एन सी ई, इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्या हो है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. और देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप का होता है, डब्ल्यू एच टाइप और यस या नो टाइप. और जबरदस्ती देखोगे क्वेश्चन टैग, याद है क्वेश्चन टैग वाला? तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जहां क्वेश्चन पूछा जाता है.
जहां क्वेश्चन एक्सप्रेस होता है, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहला असर्टिव, जो कि दो टाइप का है, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। और सेकंड क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी अगेन टू टाइप का है, डब्ल्यू एच टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में रहते हैं, कब क्यों कहां कैसे कौन कितना किसको किसके साथ, ये सारी चीजें है ना। और दूसरा होता है यस या नो टाइप, जो क्या से शुरू होता है। अब तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा होता है बताइए, इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें स्टेटमेंट को, जिसमें कोई बात को या तो ऑर्डर में सो, मतलब ऐसा सेंटेंस जो, इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। तो मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर सो हो, सजेस्ट सो हो, रिक्वेस्ट सो हो, है ना, वार्निंग सो हो। जैसे अभी मैं कह दूं प्लीज गिव मी सम रुपीज, कृपया करके मुझे कुछ रुपये दे दीजिए, तो यहां पर क्या है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सो दिस इज इन इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। मैं कह दूं सिट डाउन, बैठ जाओ, तो क्या सो रहा है, ऑर्डर, तो ये क्या इंपरेटिव सेंटेंस है, क्लियर। मैं कह दूं डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको, तो ये क्या है, धमकी सो रही, थ्रेटन, है ना। हाँ, स्पिट मतलब थूकना होता है, ध्यान देना, SPIT, क्लियर है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अभी वन बाय वन एक एक सेंटेंस पर काम करेंगे, बट अभी ये तो देख लो सेंस के बेस पर कितना है, तो ये तीन हो गया। चौथा होता है आपका, नेक्स्ट फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंस डेट सोज व्हाट, विशेस और ब्लेसेस और कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इसको, वो सेंटेंस होता है जो आशीर्वाद को, है ना, या श्राप को सो करता है। जैसे आदमी कहता है ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड गो टू हेल, या मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, जहन्नुम में जाओ। तो ये क्या हो रहा है, मतलब श्राप कर्स सो रहा है ना। तो ऐसा सेंटेंस जहां से किसी को ब्लेस किया जाए या किसी के लिए प्रार्थना किया जाए, है ना, मे गॉड टू यू सक्सीड, भगवान करे कि आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाए, तो ऐसा प्रे किया जा रहा है, क्लियर है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, अभी समझ में आया, इसको बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य, क्लियर है, जो इच्छा को शो करे। और नेक्स्ट होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जो ऐसे बिन बुलाए बराती, है ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती, मतलब ये क्या बात हुई, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है ऐसा सेंटेंस जिनको हम बोलने के लिए कोई एफर्ट ना करें, अपने आप निकल जाए। अब सेंटेंस भी अपने आप निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं, कैसे, जैसे आप कभी अगर गेम खेले होगी, तो जब आप जीत जाते हो तो अचानक से कहते हो हुर्रे मैं जीत गया, मतलब ऐसे हुरदंग मचाते हो ना, या आप ऐसे मान लीजिए कहीं गए हो, ऐसे मान लीजिए माउंटेनियर प्लेस पर गए हो, माउंटेन रीजन में, पर्वतों वाले स्थान में, आप कोई चीज देखते हो पर्वत, आप कहते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन इट इज, है ना, क्या गजब का, क्या सुंदर, कितना प्यारा, है ना। या आप कुत्ते को देखते हो व्हाट अ लवली डॉग, कितना प्यारा कुत्ता है, मतलब इस तरह की चीजें अपने आप सेंटेंस निकल जाता है ना। या आप बोलते व्हाट अ फैंटास्टिक, जैसे आप मूवीज में देखे होंगे, तो मूवीज में जनरली ये चीज होता है, बहुत कॉमन चीजें दिखाई जाती है, व्हाट अ फैंटास्टिक गर्ल, मतलब इस तरह की चीजें, ऐसा सेंटेंस जो क्या हो, जो हमारे अंदर के इमोशन, फीलिंग्स, हमारे अंदर में चल रही बातों को अचानक एक्सप्रेस कर दें। अब कैसे, जैसे आप खाना खाते हो, खाना अच्छा बना रहता है ना, तो आप कहते हो मम्मी आज खाना मस्त बना, क्या मम्मी ने तुमको पैसा दिया है, क्या सारे रिश्तेदार आए हैं, तुम ऐसा बोलोगे तो तुमको मैं 100 रुपया दूंगी, ऐसा तो होता नहीं है ना, आप अपने आप बोल देते हो। या किसी के बारे में जब आप प्रेज करते हो, तो क्या वो कहता है कि भाई मेरे बारे में तू प्रेज कर, नहीं कहता ना, आपको एक अंदर से आवाज आती है, और अचानक वो चीज, जैसे अचानक गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में बोलने की, क्या अंदर से इस बात को आप सोचते हो, नहीं सोचते हो ना, डायरेक्ट
अरे तुम मतलब चलो ठीक है, समझ में आया, तो वो होता है एक्सक्लामेटरी। तो अभी समझ एक्सक्लामेटरी, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंस के बेस पर सेंटेंस कितने टाइप का है, नाम बताओ। पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और दूसरा क्या है आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का, दो टाइप का, डब्ल्यू एच टाइप और यस या नो टाइप। और तीसरा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, आई एम पी ई आर ए टी आई वी। और चौथा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इन सब के बारे में एक एक पूरा इनका पोस्टमार्टम कर देंगे, है ना, चीर फाड़ के सब अलग कर देंगे, फेफड़ा उफड़ा कहाँ क्या कहा, ठीक है। बट अभी रुकिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस तीन होता है, इनका नाम ऐसे देख लो। एक होता है सिंपल सेंटेंस, है ना, एक होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान देना, स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस कितने टाइप का, थ्री टाइप का, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ये कितने टाइप का, फाइव टाइप का। चलो पांचों का नाम बताओ, बताओ जल्दी, मैं छिपा ले रहा हूँ, छिप रहा है कि नहीं, चलो बताओ। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस दो तरह का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।